नमस्कार, मैं मिथुन यादव, आप सबों का गाइज आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में गाइज हम लोग बात करेंगे सीजी टेट के प्रीवियस ईयर के मैथ सॉल्यूशंस के पार्ट टू पर। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले एक वीडियो जा चुके हैं पार्ट वन, उस पर आपने देखा होगा, काफ़ी कुछ नई बातें सीखा होगा, नई अप्रोच सीखे होंगे आप। ठीक है, आज फिर से इस सेशन में काफ़ी कुछ नई सिखाने वाला हूं मैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस के लिए आप हर क्वेश्चंस के लिए पेन चलाते हैं, हर क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूले ढूंढते हैं, मेरे तरह उसकी जरूरत है नहीं। क्यों, कई सवाल मेरे दोस्त ऐसे भी होते हैं जहां पे हम चाहें तो उसको ऑप्शन से भी सवाल को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के सेशन में काफ़ी कुछ आपको अप्रोच नया सिखाऊंगा, खास करके एडवांस मैथमेटिक्स में हम हर सवाल को सॉल्व करना बेहतर होगा कि हम ऑप्शन से एक सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए, हर एक टॉपिक से गई सवालें पूछी जा रही है तो हर एक टॉपिक को आप यहाँ पर डील करेंगे, और जितनी आपके प्रीवियस ईयर के सवालें पूछे हैं उसको सबको मैं यहाँ पर डील करूँगा। कई बच्चे का सवाल था कि सर जब 2011 से लेकर के सारे सवालों कर दीजिए, तो टेंशन ना लीजिए, हम सबको कुछ क्वेश्चन पेपर वन से उठा लिए, कुछ क्वेश्चन पेपर टू से भी उठाए हैं, और एक कंप्लीट जो है सो मुझे लगता है जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको कवर अप कर लेंगे। ठीक, चलिए वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, सीधे हम सवालों के रुख करते हैं। गाइस आइए, पहला सवाल क्या होगा आपके स्क्रीन पे, बात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन मैथ्स पार्ट टू की बात हम लोग करेंगे, इससे आगे सीधा सीधा हम मूव करने जा रहे हैं। देखिएगा इस तरह की कैलकुलेशंस, देखो यहाँ पे सिंपलीफिकेशन का सवाल दिया है। आमतौर पे बच्चों को ये लगता है सर इस तरह सवालें बहुत टफ होती हैं, हम बोले बिल्कुल टफ नहीं थी। अगर आपको ये पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अगर ये बात पता है तो मुझे लगता है सवाल का आपको देख करके पेन चलाने की नौबत नहीं आएगी और आप सीधा सीधा आंसर क्या मार दोगे, वन मार दोगे। ठीक है, चलिए कैसे वन मार देंगे ये देख लेते हैं फटाफट से। देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर भी देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सेम दिख रहा है कि नहीं, तो अगर इन दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, सर देखिए ए स्क्वायर यानी 2000 क्या हो जाएगा, 19 का होल स्क्वायर, और ये माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस होगा वन स्क्वायर, करो या ना करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसी तरीके से इन दोनों टर्म को देख लीजिएगा सर, है ना, 218 माइनस वन 218 प्लस वन, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का मन कितना हो जाएगा 218, इसका स्क्वायर कर लीजिए फटाफट से, और माइनस बी, बी का मतलब वन, वन का स्क्वायर, करो या ना करो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। और ठीक इसी तरीके से गाइस हम लोग चले जाएंगे आखिरी टर्म, देखिएगा यहाँ पर फिर से वही दिख रहा है आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फिर से इसको आप ओरल सॉल्व कर सकते थे क्या, सर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा 1, अगर इसके डिनोमिनेटर को थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे सेम टर्म आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिएगा ये है ना 2019 का ये होल स्क्वायर है, माइनस 1 है दोस्त, आइए यहाँ पे देखिएगा ये 2018 का ये होल स्क्वायर है, ये माइनस यहाँ पे 1 दिख रहा है, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 स्क्वायर माइनस का 1, तो आप देख पा रहे हैं कि सारा टर्म ऊपर नीचे सेम ही है, तो सम है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग कैंसिल आउट करके देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 1 ही जो राइट आंसर, तो बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं होते, बट एक्चुअली आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है पेपर में, सवाल की रिप्रेजेंटेशन से सवाल ये डिसाइड नहीं होते कि सवाल टफ है या आसान है, समझ रहे हैं मेरी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सवाल बेहद आसान था, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या होगा चलिए देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए है क्या, एक और बेहतरीन सवाल है, देखते हैं सवाल को क्या बोल रहा है। चलिए सवाल ये बोला है कि देखिए एक मोबाइल का अंकित मूल्य कितना था, 6400 रुपया, अंकित मूल्य में समझ रहे ना, ऐसे प्राइस जो आपको मार्केट में दिख जाता है, जैसे हम अगर कोई बिजनेसमैन है तो हम 100 का सामान खरीद के लाएंगे, क्या हम 100 बेचेंगे नहीं बेचेंगे, तो मार्केट में जो हम कितना करेंगे उसको 150 उतार देंगे या 200 उतार देंगे, वो हम डिपेंड करता है हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। 100 का सामान मार्केट में 150 उतार दिए, लोगों को ये शो कर रहे हैं और हम अपना प्रॉफिट भी कमाना है, तो प्रॉफिट कमाना लोगों को विश्वास जितना हम डिस्काउंट दे देंगे, बिल्कुल मैं प्रॉफिट लॉस में बड़ा डिटेल पढ़ा दिया हूं इसको। ठीक है, तो उसी तरीके अप्रोच से हम बना देंगे सवाल, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो सर देखिए क्या बोले, हम एक रिलेशन पता कि नहीं, हम बोले क्या मार्क प्राइस पर मान लो 2 डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट निकाल देंगे, 3 दिया 3 देंगे, 4 दिया 4 निकाल देंगे, कोई तकलीफ वाली बात तो है नहीं ऐसे भी। तो सर पहला डिस्काउंट कितना होगा, D1 इंटू दूसरा डिस्काउंट D2, और इसका जो है सो इक्वल किसे करोगे, सेलिंग प्राइस की। ठीक है, डिस्काउंट देने बाद जहां पहुंचते हैं उसको सेलिंग प्राइस तो बोलते हैं, सेम सवाल तो है यहां पे, 6400 दिया चिपका दीजिए फटाफट से, पहला डिस्काउंट कितना दिया आपको बताइएगा, सर पहला डिस्काउंट 20% है और दूसरा डिस्काउंट कितना वो पूछा गया, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया गया है, मतलब बाबू ये 4 टर्म से आप समझिएगा, 3 टर्म देकर के एक टर्म आपसे पूछा जा रहा है जो पेपर का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखो 20% डिस्काउंट का मतलब क्या समझते हैं, सर 20% डिस्काउंट का मतलब 80 में सामान बेचा होगा, मतलब 80/100 लिखिए, बोले वेरी गुड, तो यहाँ से क्या होगा 80/100। ठीक है सर, दूसरा डिस्काउंट नहीं दिया, हम बोले कोई बात नहीं है, मान लो एक्स परसेंट होगा तो 100 में से क्या करेंगे, एक्स को माइनस करके अपन क्या कर दो 100 कर दो। ठीक है सर, माइनस क्यों किए, हम बोले माइनस तो यहाँ भी किए हैं, देखो ना हम 20% था तो 100 में से 20 माइनस किए तब ना 80 लिखे हैं, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और बराबर कितना देख लीजिएगा सर 12560। आइए जितना हो सकता है टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं करिए, बस आंसर एक लाइन में आ जाएगा, बस कितना ज़्यादा कैंसिल कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा, 00 से मेरे हिसाब से 00 कट जाएगा, ये 10 से 10, ये यहाँ पे 10 है याद रखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, आठ इसको 8 से कटाइए ना, बोले कितना बार में 8 3 24 8 2 16। अच्छा देखिए 64/5 कितना होता मेरे दोस्त, सर ये हो जाता कितना 320, वेरी गुड, आओ सर ये 0 यहाँ वेट कर रहा, बोले वेट मत करा इसको उधर भेज दो, तो सर इधर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, बोले 100 माइनस एक्स बचेगा, अगर ये 0 उधर चल जाएगा तो कितना 50 हो जाएगा, 50 घटा दो एक्स बराबर
फैसला कितना हो जाएगा 50, मतलब जो दूसरा डिस्काउंट होगा मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा 50% होगा, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। ऑप्शन में कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। तो इस तरीके से गाइस दूसरा क्वेश्चन को उन्होंने क्या किया, सॉल्व करने का काम किया। चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे, खूबसूरत सवाल ये रहेगा, देख लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आइए देखिए, इस तरह के सवाल हैं आपको, आप आमतौर पे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, वहीं पर एक मिड पॉइंट थ्योरम पे सवाल पूछी थी। सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में चर्चा कर लूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सर ये मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या, हम बोले बता रहे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। देखिए अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, चलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक जो दिया जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स वन और ये क्या हो जाएगा वाई वन, ठीक है। देखिए इस जो पॉइंट, इसको बी मान लीजिए, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, ये एक्स टू हो जाएगा और ये वाई टू हो जाएगा, डन। सर ये मिडिल पॉइंट का मतलब क्या होगा, मध्य बिंदु, ये यानी कि 1:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये जो बिंदु, इसको सी मान लीजिए, तो ये मिडिल पॉइंट का अगर निर्देशांक आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, तो सर इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करता सर, बराबर दूरी पर है। इसको प्रूफ करने का उतना वक्त तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन हाँ जब हम पढ़ेंगे जब तो पूरे सिलेबस में, तो इसको अच्छे से क्या कर लूँगा, डिस्क्राइब कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसका जो ऐसा पहला पॉइंट क्या होगा, हम बोले देखो एक्स वन प्लस एक्स टू, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा टू, और इसका वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, सर ये वाई वन प्लस क्या होता है वाई टू अपन क्या होता है टू। ये अगर याद होगा तो आप 10th क्लास में देख लीजिए खोल करके, ठीक है। तो ये फंडा होता है, तो उसी तरह से सवाल यहाँ पे पूछा, सवाल तो सेम पूछा था, लेकिन ये घुमाने का काम किया है, थोड़ा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग कंफ्यूज तो होंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए हम सीधा सीधा क्या करते हैं, सवालों की ओर रुक कर जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक आ जाओ। बोला कि देखिएगा कि पॉइंट पी और क्यू जो ऐसे एक लाइन पर क्या है, लाई कर रही है, और जिसकी ज्वाइनिंग पॉइंट की जो तो है उसका निर्देशांक भी दिया गया है, और इस तरीके से दिया गया है कि देखो यहाँ पे, हम बोले बड़ा अच्छे समझाता हूँ सवाल को, ये ए है, हम बोले हाँ, और ये हो जाएगा मान लो क्या बी, और इन दोनों का निर्देशांक दिया हुआ, ए बी का दे दिया, सर ये कितना दिया, यह है 3 और ये कितना मेरे दोस्त 1 है। एक बार समझ जाना, अच्छे समझो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ए का निर्देशांक कितना दिया, सर ए का जो निर्देशांक दिया है ये -2 और ये 5 दिया है। बोला कि इस तरीके से है कि ए पी और पी क्यू और क्यू आर बराबर है, बोले अच्छा तो यहाँ पर मान लीजिए कि बराबर दूरी पर इसको ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका पी और ये हो जाएगा क्या क्यू, और ये बराबर तभी होगा जब ये सब आपस में क्या होगा, इक्वल हो रहा होगा। पास में आया कि नहीं, बोले हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है आ जाओ। सवाल आपसे इतना सा जानना चाह रहा था कि सर पी और क्यू के बीचों बीच जो ऐसा कोई है ना पॉइंट ले लो और उसका हमको निर्देशांक बता दो। हम बोले बात तुम वही बोल रहे हो कि नहीं, यहाँ से यहाँ दोनों बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो बिल्कुल बराबर हुआ ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इन ए और बी का क्या मिड पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ बताओ, और मिड पॉइंट हुआ तो इसका डायरेक्ट निर्देशांक लिखो ना भाई, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मिड पॉइंट। तो सर क्या होगा, हम बोले सुनो क्या होगा बता रहे हैं, ये मैं एक्स वन है, एक्स वन कितना हो जाएगा मेरे -2 और उधर देखिएगा कितना 3, और इसको डिवाइड क्या कर दो 2, और वाई देख लो इधर वाई कितना है 5 और उधर कितना है 1, इसको डिवाइड किससे कर दो 3 से, देखो डायरेक्ट निकल जाएगा -2 + 3 मतलब 1 और डिवाइड बाई 2, तो ये 1/2 हो जाएगा मेरे दोस्त, और ये 6 को कितना करोगे, अच्छा ये 2 होना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करें कितना होगा 6/2 मतलब 3 आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से जब 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देख लो ऑप्शन में कहाँ है 1/2 और 3 है कि नहीं, 1/2 और 3 ऑप्शन नंबर कौन सा सी है, ठीक है। ठीक स्क्रीनशॉट में उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे आप, आसान सवाल था गाइस। अगला सवाल हम बात करते हैं, अगला ये देखिए एक और खूबसूरत सवाल ज्योमेट्री से सवाल है। अगर आप ज्योमेट्री की बात करें तो आपको ज्योमेट्री ना ऐसा हो नहीं सकता है। ये देखिए आमतौर पे मैं सवाल यही देख रहा हूँ कि 9-10 का बहुत बेसिक बातें पूछा है, ये नहीं कि SSC CGL जैसे सवाल एग्जाम कॉपी के ऐसा नहीं है, है ना। ये बहुत आसान सवाल पूछा है, ज्योमेट्री देख लीजिए या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लीजिए, आपका बेसिक चेक करना चाह रहा है वो कि बेसिक्स आपको आ रहा है कि आ रही है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया, एक बार फटाफट चेक करते हैं। बोला सर एक त्रिभुज है, हम बोले कौन सा देखो यहाँ पे, बोला सर एक त्रिभुज ABC दिया हुआ, अच्छा इस त्रिभुज का कोई टाइप नहीं दिया हुआ है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, टाइप नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। बोला सर जो है ABC जो त्रिभुज हम बना ही लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर होगा, लो एक त्रिभुज यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा तकलीफ ना हो समझने में, डन। आपको इक्वल नहीं दिख रहा है, समझ में, अपने से कोई त्रिभुज हम ले लिया हूँ AB और C, ठीक है डन। आगे बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर A to B, देखो A से BC पर जो है ना एक परपेंडिकुलर डाला गया, परपेंडिकुलर का मतलब सवाल कि इसकी ऊंचाई होगी, ये बात समझ आना आप लोग, ठीक है, यानी कि AD क्या होगा ऊंचाई का काम करेगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है सर। और ये सर ये BC क्या है, इस 15, अच्छा ये जो ऊंचाई दिया ना, ये ऊंचाई इसको ये लोग दे दिया कितना 15 दे दिया, बोले ठीक है इसका देते हैं यहाँ पे 15, ऊंचाई जो है कितना है हमारा 15, ठीक है। और आप BC जो लंबाई दी ना यहाँ से यहाँ तक इसको दे दिया कितना, वो लोग 8 दे दिया है। आगे बोला है AC जो है ना, AC मतलब ये जो लंबाई है ना ये, इसको कितना दिया, बोलो 24 दिया है। सवाल बोला है क्या, देखो कि देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर B to AC, अच्छा फिर से एक लंबाई दिया हुआ, बहुत आसान सवाल है, एक ही लाइन बना दूंगा सवाल। बोला B से आप परपेंडिकुलर डाल दो, कहाँ पे B से परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए, कहाँ यहाँ पे,
हम बोले ठीक है डाल दो। तो सर यहाँ पे मान लो कोई बी मान लो, यहाँ पे ई हो गया तो इसको ई मान लिया जाए। तो बोला सर ये जो बी ई होगा ना उसका लंबाई क्या होगा, वही तो पूछा था। हम बोले अच्छा ठीक है कुछ नहीं करो। इसे सवालों को आमतौर पे क्या करते हैं कि बिल्कुल भी आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको सिमिलरिटी लगाओ। हम बोले यार एक चीज़ बताओ, 2D का 2D फिगर की ना रोटेट करने से उसकी एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी समझते हैं इस बात को ना। तो सेम चीज़ तो है भैया। देखो अगर त्रिभुज का ना 3 हाइट होगा ना तो 3 तरह से एरिया निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एरिया क्या होता है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो क्या दिक्कत है। अगर इस बेस को लेंगे तो इस पर जो गिरा गया हाइट है उसको ले लेंगे इंटू में, अगर इस बेस को लेंगे तो इस पर जो हाइट गिरा है वही तो होगा। तो सर इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या करने मूड में। देखो मैं आपको समझाता हूँ, हम सिंपल बोल रहा हूँ कि देखो यार हम ये करने वाले हैं कि एरिया को एरिया के बराबर करूँगा। देखो एरिया को एरिया के बराबर करूँगा कि ये तो त्रिभुज है और इसका एरिया चाहे 3 तरह से निकाल सकते हैं, 3 अगर हाइट संभव है तो 3 एरिया भी निकाल देंगे और ये तीनों आपस में सेम होगा, ठीक है। तो सर इसका क्या होगा, हमारे हाफ इनटू, देखो बाबू बीस बेस किसको ले रहे हो, सर बीसी को ले रहे हैं ना, हमारे ले लो। तो बीसी को लोगे तो हाइट किसको लोगे, जो बीसी पर जो गिरेगा। तो सर बीसी पर क्या गिर रहा, एडी। तो सर यहां पे एडी ले लेंगे, वेरी गुड। ये देखो अब अगर बेस तुम एसी ले रहे हो तो फिर से एरिया लिखो हाफ इनटू, अगर बेस एसी है तो एसी पे जो लंब गिरेगा ना उसी को हाइट लेना, याद रखिएगा। तो सर ये हाइट हो जाएगा बी ई। हम बोले ठीक है बी। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, हाफ और हाफ कैंसिल कर दो। अब इसका मान को यहाँ से प्लग इन कर रहा हूँ। देखो सर बी सी का मान कितना, बोले 8 दिया हुआ था। सर ए डी का मान सवाल कितना दिया, 15। सर ए सी का मान सवाल 24 दिया हुआ था और बी ई का मान देखो इतना नहीं कर लोगे क्या बताओ। ये मुझे लगता है हार्डली 25 सेकेंड का सवाल है, बट समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। डेटा चेंज करके सवाल इस तरह से पूछेगा तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, ठीक है ना। सर ये कटा दो, हम बोले कटा दो ना। तो देखो यहाँ पे कैसे कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से रखिएगा, 8 + 24 डन और 3 से करा दो कितना 15। मतलब सर ये बी का जो मान है ना वो 5 सेंटीमीटर होगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो 5 है कि नहीं ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी है। जल्दी से टिक करिए, आगे निकलिए, ठीक। तो ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा डरावना वाला चीज़ नहीं है, खास करके है ना सी जी टेट वगैरह के लेवल में और खास व्यापम के लेवल में, ठीक। चलो जल्दी से स्क्रीन शॉट ले चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक और बेहतरीन सवाल है, फिर से आपको नजर आना चाहिए सवाल आखिर किस चीज़ पर बेस्ट है। देखो लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर, आगे दिया लेंथ ऑफ द थर्ड साइड एंड ऑफ द ट्रेंगल कैन नॉट बी। मतलब त्रिभुज की ना सिर्फ प्रॉपर्टी से सवाल पूछा हुआ है। बोला सर त्रिभुज की दो भुजा तो दे दिया है और बोला सर इसमें से चारों ऑप्शन में त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन नहीं हो सकती है। तो इस तरह सवालों में बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको थोड़ा वो थ्योरी पता हो बेसिक तो मुझे लगता है इस तरह सवालों से बिल्कुल मत डरिएगा। और नहीं पता तो मैं थ्योरी पहले क्लियर करूंगा तब भी सवाल बनाऊंगा, ठीक है, ताकि अगली बार अगर इस प्रॉपर्टी से या इससे हट कर कोई सवाल पूछेगा तो बनाने में सक्षम है। सर एक चीज़ बताइए आप मुझे, हाँ आप लोग बहुत अच्छे से त्रिभुज हम पहला दिन पढ़ाते हैं, पहले हम इसी चीज़ को बताते हैं कि देखो पहले बताओ त्रिभुज कब बनेगी और कब त्रिभुज नहीं बनेगी, इसकी जानकारी है तो इस सवाल को आप सेकेंड में कर लोगे। तो हमने एक सिंपल सी बात कहा था आपसे, देखो त्रिभुज की छोटी सी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, याद रखिएगा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का सम, याद रखना, वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए और त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होगी। ये बात अगर आप नहीं जानते जान लीजिए आप, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी था त्रिभुज का। अगर मान लो कोई त्रिभुज यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये त्रिभुज बना दिए, बोलो ठीक है सर, ए कोई भी त्रिभुज हो सकता है, कोई सबके लिए लागू है, ठीक है। इसके सामने वाला भुजा ए ले लो, इसके सामने वाला बी ले लो, इसके सामने वाला क्या ले लो सी। तो त्रिभुज की किन्हीं दो, लिख लो प्रॉपर्टी, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी। अगर हम यहाँ पर ए बी ले लेते हैं ना, तो ए बी जो होगा ना बाबू, ए बी हमेशा ये किससे बड़ी होगी बताओ, सर ये हमेशा तीसरी भुजा सी से बड़ी होगी, सी से बड़ी होगी। और बात, और अगर इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या होगा कि तीसरी भुजा छोटी होती है, ठीक है, दो भुजाओं का सम तीसरी से बड़ी होती है और उसका डिफरेंस हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी हो गया। अगर मान लो आप ले लो यहाँ पे ए सी, तो ले लो ना ए सी, ए सी से हमेशा क्या होगा, बी से बड़ा होगा और इन दोनों का ए और सी का डिफरेंस हमेशा बी से क्या होगा, छोटी होगी। तीसरा अगर हम ये बोलें कि ठीक है सर यहाँ पे अगर हम ये बोलें कि ए, तो देखो b प्लस सी का मान a से हमेशा बड़ा होगा और b और c का जो डिफरेंस होगा ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये छोटी सी प्रॉपर्टी, उम्मीद करते हैं आप लोगों सबको पता होगा, ठीक है। तो वहीं से अगर हम बात करते हैं, देखिएगा बोला कौन नहीं हो सकता है, हम बोले देख लो एक बार कौन नहीं हो सकता है, पहले एक बार देख लेते हैं सर, ठीक है। दो लेंथ तो दे ही दिया, हम बोले ये तो दिया हुआ है, तो कौन सा तीसरा भुजा नहीं हो सकता है, हम बोले तीसरा भुजा का जोड़ के देख लो, इसको इसको जोड़ेंगे तो ये देखो, तो तीसरा भुजा का ये भुजा मान लो, ये मान लो देखो इसको जोड़ो तो क्या 5 से ज़्यादा हो रहा है, कि तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। बराबर भी नहीं, बराबर होगा तो भी दिक्कत होगा, बड़ी ही होनी चाहिए, बराबर मत ले लेना। देखो 1.5 और 3 अगर जोड़ेंगे तो ये 4.9 हो रहा है, तो बिल्कुल यही हो क्या होगा, ऑप्शन होगा, ये नहीं हो सकता। बाकी देखिए 3.6 और इसको जोड़ो देखो 5.1 चला जाएगा, तो बिल्कुल ये हो सकता है। इसको और इसको जोड़ो देखो इस भुजा से बड़ी हो जाएगी, ये भी हो सकता है, इसको जोड़ो तो हो ही जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि 1.5 और 3.4 को अगर जोड़ते हैं तो कभी वो 5 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, जो गलत बात है, होना चाहिए। तो ये कभी भी इसकी त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी याद रखिए, अगला उम्मीद करते सवालों के रुख करना चाहेंगे। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन
पे मेरे दोस्त कुछ ही रहेगा। देखिए इस तरह सवाल है गाइस, पैरेललोग्राम से पूछा गया है, तो मुझे लगता है पैरेललोग्राम की अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो कुछ भी मत करो। अगर हम समांतर चतुर्भुज का अगर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पता है मुझे एकदम बेसिक लेवल पे, 9-10 के लेवल पे, तो मुझे लगता है कुछ नहीं करना चाहिए आपको। सर दो प्रॉपर्टी याद रखिएगा और दोनों से चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। एक तो देखो, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो पहला प्रॉपर्टी की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, कौन बराबर होती है, ठीक है, या ये कौन इसके बराबर, ये कौन बराबर का, पहली प्रॉपर्टी आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इसका लेटरल है ना, ये देखो यहाँ पे, ये ना क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये जो लेटरल जो है ना, लेटरल एंगल जो होती है ना इसका, ठीक है, तो ये जो होता है इस दोनों का एंगल के सम कितना होगा, 180 होता है। ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। देखिए आजू बाजू का एंगल को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, वो 180 होगा। ये दो बात पता है तो इसी सवाल बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, तो कई बच्चे ना इसको इक्वेशन बना रहा होगा कि आमने सामने एक्स प्लस वाई बराबर 180, इन दोनों का मान 180। ऐसा करने का मेरे लगता है जरूरत क्या है, है ना, आपको चार ऑप्शन दिया हुआ, बोले हाँ देख लो जो ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही आंसर होगा। भाई क्या करना है, इधर से क्यों सॉल्व कर, इधर सॉल्व करो ना जल्दी होगा। तो हम बोले सुनो, अगर यहाँ पे 130 दिया, देखो मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये 130 दिया है और अगर ये 50 दिया है तो पहले इसी से हम हटा लेंगे कि देखो ये पहला 180 हो रहा है, हम बोले हाँ ये ऑप्शन चल सकता है। देखो यहाँ पे x का मान 150 है, 60, देखो दोनों का सम कितना हो गया 221, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है, कभी भी ले रहे ना, तो समझ लो एडजेसेंट एंगल जो होती है, एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा कितना 180 होता है। देखो 180 है नहीं है, यहाँ जोड़ लो सर, ये हो जाएगा 100 और ये हो गया 60, 160 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 140 प्लस 55 195 नहीं होगा। देखो ये क्यों ऑप्शन है, अभी आप देखो हर तरह सेट कर लो, जेड का मन कितना 65 और यहाँ 65 गुना दो क्या हो 130 और फिर 50 180 हो गया, और अगर ये भी 130 है, देखो आमने सामने कौन क्या बराबर है कि नहीं है, देखो तो जो भी प्रॉपर्टी ऑप्शन नंबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इज राइट आंसर। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, रैदर देन कि आप इसे इक्वेशन बनाओ, तीन चार अलग इक्वेशन बना करके फिर सॉल्व करो, उसकी जरूरत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर। तो दो प्रॉपर्टी याद रखिएगा, आमने सामने की कोण बराबर होती है और एडजेसेंट एंगल का सम जो होता क्या होता है मेरे दोस्त, 180 होती है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ यूं रहेगा, देखिएगा, आइए, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है मेरे हिसाब से। इस तरह सवाल अक्सर आपके व्यापम भी पूछा है और कई बार आपके सी जी टेट भी पूछ चुका है, SSC तो पूछ ही पूछी है। आइए सर, इस सवाल के लिए क्या आपके मन में थॉट चल रहा है, हमने देखो औसत चाल एवरेज स्पीड पूछा है, तो औसत चाल एवरेज स्पीड का कोई एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, है ना, तो मुझे लगता है काम चल जाएगा। एक पैरेंट फार्मूला इसका क्या होता बताता हूँ सर, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है ना, बोले क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम होगा, ठीक है। कई बच्चे लिए लग रहा है सर 2 × S1 × S2 अपन S1 + S2 भी पढ़ाए थे सर, वो मतलब वो भी एक होता है क्या, हम बोले अगर किसी को दिक्कत अभी भी मैं बता रहा हूँ, 18 पेपर है, अगर अभी भी टाइम है मैं फिर बता रहा हूँ, 18 से पहले भी जब जाना कंपटीशन कमेटी पर जाना, वहाँ पर अभी भी जिसको लगता है कि मैथ्स में हमको डर लग रहा है, तो आप मेरा 10 वीडियो पढ़ा होगा, 10 वीडियो को कम होगा, एक दिन में 4-4 वीडियो देखो, 1 घंटे की वीडियो पढ़ा है, ठीक है, 10 घंटा में उम्मीद करूँगा तो मेहनत कर सकते हो अपने करियर के लिए। अगर तुम 10 वीडियो देख लोगे ना, तो ये तुम जान लो कि तुम जितना क्वेश्चन आएगा सब सॉल्व कर दोगे, है ना, SI के नाम से होगा। अभी रिसेंट में सवाल मैंने इसको लॉन्च किया था हम लोग, ठीक है। तो अभी जिन बच्चे को लगता है सर मैथ्स में हमें थोड़ा सा तकलीफ है और आपको लगता है कि हमसे पूरी आपको लगता है अभी पढ़ना फिलहाल के लिए, 18 से पहले जाना, फिर बोलता हूँ कंपटीशन कमेटी पे जाना और SI का कोर्स लॉन्च हम लोग किए थे, वहाँ पे 10 वीडियो पढ़ा होगा, अगर वो 10 वीडियो भी आप पढ़ लोगे ना, तो आपका मैथ बहुत हद तक ऑलमोस्ट सब सॉल्व कर दोगे तुम, ठीक है, जाके वहाँ पे देख लेना, बस इतना ही बोलूँगा और कुछ नहीं, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ रीजन बता दिया हूँ। सर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, बस याद रखिएगा यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन का, अगर आप यूनिट को कन्वर्ट करने में गलती किए तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम, ये वो टॉपिक है जो आपको रुला देगा अगर आप इसका अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखे तो, कब सेकेंड, कब मिनट, कब आवर में चेंज करनी है, कैसे करनी है, कब किलोमीटर पर आवर से, कब मीटर पर सेकेंड की ओर जाना है, इन तमाम बेसिक्स का ध्यान रखिए मेरे हिसाब से, तो कभी नहीं फंसोगे, ठीक। सर बोला सीधा, एक रेलगाड़ी 165 किलोमीटर चलने में इसको कितना लगा, 95 मिनट लग गया, और शेष जो दूरी बच गई 73 उसको चलने में इसको 1500 सेकंड लग गया, ठीक है। तो बोले कुछ नहीं, टोटल दूरी कितना है सर, टोटल दूरी हो जाएगा कितना, पहले तो 165 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, बोलो ये हो जाएगा 73, और टोटल टाइम, टाइम तो डायरेक्टली दे दिया, अब यहाँ पे कई बार क्या टाइम छुपाता है, तो जब छुपाता है तो उसमें हम लोग अदर वे में अदर अप्रोच लगाते हैं, स्पीड के हेल्प से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है। लेकिन सर एक चीज़ बताओ, ये तो किलोमीटर में दिया, हम बोले हाँ, और किलोमीटर हमेशा किसको एक्सेप्ट करेगा बताओ सर, ये आवर को एक्सेप्ट करेगा, तो हम बोले मिनट में दिया और कुछ तो सेकंड में दिया, तो वहाँ पे क्या करोगे, तुम वहाँ पे क्या करोगे बताओ फटाफट से, बोलो
सर चेंज कर लेंगे। हम बोले कैसे चेंज करूँ, तुम लोग बताओ फटाफट से। सर मिनट को अगर आवर में चेंज करूँगा तो क्या करूँगा। हम बोले देखो, तो तुम चाहो तो 60 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हम मेरे हिसाब से स्मार्ट तरीका ये होगा कि ये जो 95 दिया, हम बोले हाँ, इसको सीधा सा 60 से इंटू कर दो डायरेक्ट, ठीक है, सेकंड में बदल लो। और प्लस ये तो 1500 सेकंड दिया ही है, और ये पूरे को कंप्लीट टाइम को तुम 3600 से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड से अगर डिवाइड करेंगे आवर में चेंज हो गया। ये स्मार्ट तरीका मेरे हिसाब से हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो 9×6=54 और कितना हो जाएगा, 56×30 मतलब ये हो जाएगा 5700 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 1500 मतलब 7200, इसको सॉल्व करोगे 7200 आ गया। देखो ना यार, 95×6 नहीं समझ में आ रहा है क्या, हाँ कितना हो जाएगा बोलो, 5700 प्लस ये हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कर लो, बोले हाँ। देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 8 ले लो इधर, 7×5 ये कितना हो जाएगा, 7×6=13 और ये 238। और यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा कितना गाइस, ये हो जाएगा सर हमारा 7200। तो इसको यहीं पे लिपटा दो ना, काहे लो उतना लेके जाऊँगा मैं, तुम्हें परेशान क्यों करूँगा फर, है ना, आओ जाओ यहीं पे देख लो, ऊपर जोड़ लीजिए सर, ये हो जाएगा 7200। और नीचे का ये आपका था जो ऊपर आएगा 3600, तो आप बोलोगे सर 3600 से इसको दो बार में कटाइए और दो से इसको सीधा सा करा दीजिएगा, तो ये होगा 119, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो आ गया तो क्या हो जाएगा, 119 किलोमीटर पर आवर। देख लो ऑप्शन में है या नहीं है, ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, देख लीजिए। बड़ा सिंपल सवाल था, बस एक ही बात दिमाग में रखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए जल्दी से, उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या रहेगा देख लीजिए फटाफट से, आप देखिए ये रहा आपका अगला सवाल, क्या क्या करेंगे सवाल को लेकर के। छोटा सवाल दिख रहा है और आपकी अप्रोच क्या होगी, बस उस पर फोकस करूँगा। बोला देखिए सर, बड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। बोला देखिए एक क्यूब है, क्यूब समझ रहे, क्यूब समझ रहे होंगे, ठीक है सर। यहाँ घन समझ रहे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। साइड कितना, 12 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। बोला ऐसे क्या क्या, एक और जो है ना इक्वली, एक और जो है सो उतना ही बड़ा क्या क्यूब को इन्होंने फिर से क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। हम आपको फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं, है ना, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सब आप लोग पढ़ते होंगे, है ना। कोई बच्चा अगर बीटेक किया होगा उसको फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी हम लोग कुछ सीखे थे, तो उस पे यहाँ पे बात थोड़ा कराते हैं आपको, ठीक है। आ जाओ, फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं आपको, सामने से दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 3D में नहीं दिखा रहा हूँ, 2D में दिखा रहा हूँ। ये एक मान लो क्यूब है, ठीक है। हम बोले हाँ, इसमें एक और क्यूब को जोड़ दोगे, तो सर एक और क्यूब को जोड़ देंगे। हम बोले हाँ, सेम दिखना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अब देखो फर्क क्या पड़ेगा, बता रहा हूँ, फर्क सिर्फ एक जगह पड़ेगा, क्या, इसकी लंबाई पे, ऊंचाई और चौड़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे, तो ये जो 12 12 था ना, तो अब इसकी लंबाई कितना बदल गया, देखो इसकी लंबाई अब कितना हो जाएगी, अब ये क्या होगा, अब ये क्यूब हाइट बन जाएगा, घन से सीधा घनाभ बन गया, ठीक है। तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम थोड़ा होता है, समझ में आया कि नहीं सर। इसका लंबाई कितना हो जाएगा, हमारी लंबाई हो जाएगा इसका कितना, 12, और देखो इसका ये चौड़ाई हो जाएगा 12, और इसकी जो ऊंचाई होगी ना, ये ऊंचाई आपको यहाँ पे दिख जाए तो बड़ा अच्छा रहता, ठीक है। देख लो अब यहाँ पे, ठीक है, 3D में बनाना नहीं चाह रहा हूँ, आप समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको जो दिखेगा ना, ये जो दिखेगा आपको यहाँ से, ठीक है, तो ये जो क्या हो गया, इसको ऊंचाई भी कितना हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई 24 चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो गया, 12 12 हुआ। हम बोले ठीक है, तो पूछा क्या टोटल सर्फेस एरिया, तो अब ये घनाभ का जो है सो टोटल सर्फेस एरिया पता है कि नहीं। हम बोले हाँ सर, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्या, क्यूबॉइड क्या होता, जल्दी से बता दो। बोले सर 2×, हम बोले क्या, LB प्लस बोलो BH प्लस HL, ठीक है। आयो बस चिपकाना है मान, सर लंबाई कितना होगा, हम बोले तुम्हें बताओ ना, 24, ठीक है, 24 गुने क्या होगा यहाँ पे, 12 प्लस, सर ये 12 और गुने 12 हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पर देखिएगा सर, यहाँ पे ऊंचाई तो 12 ही होगा, लेकिन ये लंबाई कितना हो जाएगी, 24। बस कितना जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं फटाफट से इसको किस तरीके से इसको लेते हैं। सर 12 से एक बार बस देख लीजिए, 2 रहने दीजिए इसको, सर 12×48 को क्या होगा, 8×4 12×24 और 4 कितना होगा, 28, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर ये 144 हो जाएगा, रिवी क्या होगा, देखो यहाँ पे सर ये होगा 288। बस एक बार जोड़ लेना है, कुछ भी नहीं करना है मेरे पास, जाओ सर 200 प्लस यहाँ पे, अच्छा ऐसे जोड़ना, 8×8=16 और 4 कितना, 20 का 0, कैरी कितना हो गया 2, ठीक है। फिर 8×8=16 और 4=20 प्लस कैरी 2 कितना हो जाएगा, 22×2 कैरी कितना हो गया 2, ठीक है। अब 5×2 कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ से देखिएगा ये 2 तो रहेगा ही, तो इसका मतलब सीधा सीधा होगा 4×240 हो जाएगा, देख लो इसको यहाँ पे रख लो, तो सर ये हो जाएगा 4×240 कहाँ पे, ऑप्शन में फटाफट देख लीजिए और क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए 4×240 ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखिएगा जब दो क्यूब को जोड़ते हैं तो क्यूबॉइड बन जाती है, तो बस उसी लंबाई पे चेंज होगा और कोई नहीं। बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, अच्छा सवाल था, मिस्टेक मत करिएगा, ठीक। चलो अगला सवाल की बात करें क्या, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे मेरे दोस्त कुछ यूँ रहेगा, देखिएगा एक खूबसूरत सवाल पूछा था। अरे पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, CGTET पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सवाल पेपर 2, हालांकि कुछ कुछ सवाल पेपर 1 से भी लिया गया है, तो चलिए। तो प्रीवियस सर आपको टेंशन लेना नहीं, मैं पूरा सॉल्व करा दूंगा आपको।
सवाल क्या बोला देखिए यहाँ पे, सवाल ये बोला था कि हाइट जो है एक सिलेंडर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया है, और इसके कर्व सरफेस एरिया समझा कि नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है। तो आपको पता है कि एक सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आसानी से निकल जाता है सर, तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ जाना, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कुछ दिक्कत नहीं है, रुक जाओ सर, ये होता है 2 पाई, क्या बोलो, आर एच, यही होता है ना, हम बोले हाँ यही तो होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पर आपको क्या दिया सर, ये तो एच दिया था, हम बोले तो यहाँ से मैं इसका मतलब आर निकल जाएगा, इसका मान सवाल कितना देकर रखा था सर, इसका मान सवाल दिया 264, बस मान को प्लग इन कर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए सर, ये 2 ये होगा कितना, 22 अपन कितना होगा 7, आर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है फिलहाल आपके पास, और इसका मान 14 दिया हुआ है। देखिए कितना जल्दी से आपके पास आर दौड़े हुए चले आएंगे, आपको कुछ भी नहीं मेहनत करना है। देखिए कौन कौन अपने आप क्या कर रहा, स्वर्ग जाना चाह रहा भाई, दो उसको देखिए 7 से कर रहा था कितना 2 बार में, और 2 और 2 कितना हो गया 4, ठीक है, तो 22 से कट जा रहा है, पहले ही देखो यहाँ पे 22 से डायरेक्ट कट रहा है, 22 कम 22 22 दूनी, और ये 2 3 कितना हो गया, बोलो 4 से कट जाएगा 3 बार में, मतलब सर ये हाइट तो 3 आ गया, बोले क्या दिक्कत है, 3 तो आ गया ना, बोले हाँ ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर चढ़ा दो, मीटर रहेगा मीटर चढ़ा देंगे, तो 3 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। सवाल ये पूछा था कि सर इसकी वॉल्यूम क्या होगा, हम बोले यार एक चीज़ बताओ, तुम लोग वॉल्यूम तो निकालने जानते हैं ना, बोले हाँ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है सिलेंडर का क्या होता है, यानी कि बेलन की क्या होती है, क्या होती है बोलो, आयतन होती है, तो कुछ नहीं करना है, चिपका दो 22/7, आर का मान 3, और ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे ऊंचाई पहले पता था कितना हो गया 14, ठीक है, 7 से कराइए सर कितना बार में, 2 बार में, तो कितना हो जाएगा सर, देखो 3 3 9 9 2 कितना हो जाएगा 18 18 18 2 कितना हो जाएगा सर 18 36 36 × 11 का मतलब आप समझ गए होंगे 6 और 9, और ये कितना होगा 3 396 जो राइट आंसर कहाँ पे है, देखो सेंटीमीटर के, अच्छा वॉल्यूम पूछा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑप्शन में जो है ना ये क्यूब होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्यूब यहाँ पे गलत दे दिया, सेंटीमीटर क्यूब होगा सब में, ठीक है, या तो ठीक है टैपी से मिस्टेक किया होगा, या तो वो जो है सो क्वेश्चन में गलत पूछा होगा, लेकिन वो क्यूब होगा, ठीक है, चलो 396 आंसर है, तो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं था, टफ मुझे लगता है बहुत बेसिक है, ये 9 10 से भी कम लेवल के हैं, अगर आप 9 10 में पढ़ते थे तो काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड था वो चीज़ें, ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मेरे दोस्त, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यू रहेगा, देखिएगा ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, पता नहीं सवाल को आप लेकर क्या सोचते हैं। अब अलजेब्रा के सवाल को भाषा में पूछा गया तो इस तरह से दिखाई दे रहा है, और मुझे पता है कि अगर आप अलजेब्रा का मेरा क्लास अटेंड किए होंगे तो सवाल आपके बेसिक्स में चले जाते हैं, अगर मैं 10-15 लेक्चर अलजेब्रा पढ़ाता हूँ डे वन अगर कोई क्लास अटेंड किया होगा सवाल बना देगा, डे वन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सवाल जो बोला बातों को थोड़ा ध्यान समझिएगा, बोला कि देखो यहाँ पे बोला एक संख्या और उनके है ना व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा होता है, कोई जोड़े जाने पर क्या होगा 6 हो जाता है, बोले अच्छा क्या होगा 6 हो जाती है, बहुत बढ़िया बोले बेटा कुछ नहीं है, विद एक्स इसका उल्टा करो 1/x का मान कितना दिया तुम्हारे पास 6, और सवाल क्या बचा देखो यहाँ पे, तब उसके वर्ग वर्ग का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस उसके वर्ग का ऑपोजिट का मान क्या होगा, बोले अरे यार बताओ आपको नहीं पता डायरेक्ट 6 का स्क्वायर -2 कर दो 36 -2 34 आंसर मार दो, मतलब आँख भी बंद नहीं है ना, देखो देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैं कौन सा बता चुका हूँ कि सीधा स्क्वायर करके 2 घटा देना, ऐसा क्यों करते हैं उसको मैं जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको डिटेल बता देता हूँ, लेकिन जो बच्चा पहले पढ़ चुका है उसको कोई मतलब नहीं, 34 का आंसर कहाँ पे देखो मार दो खट से, सर जिनको पहली बार कर रहे हैं उसके लिए क्या करोगे, हम बोले कुछ नहीं करना वो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो आप सीधा, होल स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं, हम बोले हाँ कर सकते हैं, देखो आप तुरंत मिल जाएगा आपको स्क्वायर कर दे, हम बोले स्क्वायर करके क्या होगा a+b का होल स्क्वायर होगा, हम बोले ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × मेरे दोस्त 1/x आ गया, इधर अगर आप करें सर ये तो स्कोर क्या हुआ 36, हम बोले चेक जी बताओ यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है क्या सर, ये x और x कट जाएगा, हम बोले यहाँ पे सिर्फ प्लस 2 बचा, प्लस 2 इधर क्या करेगा भेज दो उधर, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो चाहिए मिल चुका है सर, क्या चाहिए हमको, हम बोले एक्स स्क्वायर प्लस ये 1/x² चाहिए तो ये मिल चुका है सर, 2 को उधर माइनस क्यों नहीं कर दिया, हम बोले 36 में 2 जाएगा क्या बचेगा 34, और दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर जो हम आपको ओरल बता रहे थे, ठीक है। तो हार्डली 10 सेकंड 12 सेकंड का सवाल था, पढ़िए सवाल को टिक करिए आगे निकलिएगा, चलिए इतने बेसिक सवाल पूछे गए थे आपके पेपर में, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या होगा एक बार जरूर देखना चाहेंगे, ये आपके पेपर का एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, किस तरह से करेंगे जाइए देखते हैं हम लोग। सवाल ये पूछा था कि देखिए सर एक रेशियो दिया, मतलब क्या लेंथ और जो है सो ब्रेथ का जो है सो क्या दिया, रेशियो दिया एक रेक्टेंगुलर पार्क का, तो यानी कि एक आयत दे दिया समझिए, इसका लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ, ठीक है सर। अब समझना, बोले एक आदमी क्या साइकिलिंग कर रहा है ना एक बाउंड्री के चारों तरफ, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, कंप्लीट कर रहा है एक राउंड को ये 8 मिनट में, ठीक है सर। तो बोलता है कि सर एरिया का पार्क का बताइएगा ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको वापस ले जाना चाहता हूँ कि अगर आपको 9 10 में थोड़ी बहुत पता होगा कि एक रेक्टेंगल अगर है समझिए
तो इस रेक्टेंगल के यहाँ से देखो इस पॉइंट से चलना शुरू किया और कंप्लीट अगर एक चक्कर मार करके यहाँ तक वापस आ गए तो कंप्लीट एक चक्कर की जो चलने वाली जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या बोलते थे, इसकी परिमाप बोलते थे, याद है कि नहीं। जिस पॉइंट से चलना शुरू किया वापस वहीं पर आ गए, पूरा बाउंड्री की लेंथ जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमाप। जिसका पता है क्या होता है, एरिया फार्मूला, हम बोले सर नहीं पता है, बोले कोई दिक्कत नहीं, तुमको याद करने जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये क्या होगा, बी होगा। चलो कितना चले, पहले एल चले फिर बी चले फिर तुम एल चले फिर तुम बी चले, मतलब देखो दो बार एल आ गया दो बार बी आ गया, जोड़ देंगे टू एल प्लस टू बी, मतलब टू कॉमन कर लो, एल प्लस बी होता है क्या इसका, बोलो क्या होता है इसका, परिमाप होता है, चारों तरफ बाउंड्री की लेंथ होती है, यही तो पढ़े थे आप लोग। हाँ सर, तो ये जो बोला साइकिल से जो एक चक्कर मार रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको डिस्टेंस दे दिया है, ये डिस्टेंस दे दिया और ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो भी दे दिया, तो सवाल ने दम रहा कहाँ, फिर बताओ। तो छोटी समझदारी को थोड़ा सा पढ़िए, समझदारी से कुछ भी सवाल टफ नहीं है। तो क्या करना है, बोले कुछ नहीं करना, पहले ये दूरी निकालो, ये क्या दिया सर, किलोमीटर, मतलब ये क्या चाल दिया है और ये समय दिया है, सर चाल गुने समय को ही तो डिस्टेंस बोलते हैं भाई, लेकिन गलत करोगे। बताओ क्या, अभी भी आप यूनिट का ख्याल रखना नहीं चाह रहे हो, और यूनिट का ख्याल नहीं रखोगे तो मिस्टेक करके तुम गलत कर जाओगे, ठीक है। चलिए तो सर कैसे किस में बदले, हम ये समझ नहीं आ रहा, हम लोग इसके लिए ऑप्शन को आपसे मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में दिया मतलब इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, और ये मिनट में जो दिया इसको आप सेकंड में बदल लो। ये ऑप्शन डिसाइड करती है कि मुझे किलोमीटर को मीटर में रखना है या किस में बदलनी है, ये अगर ऑप्शन जरूर विजिट कर लीजिए, मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देखिए फॉर्मूला यही होता, मैं इसको यहाँ पर हटा रहा हूँ। आइए अब सीधा कहाँ रुक करते हैं, इसके डिस्टेंस की ओर, क्योंकि डिस्टेंस ही तो होगा, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू क्या होगा टाइम, ध्यान से तो ये सर स्पीड कितना है 12, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते थे, 5/18 से इनटू करते थे, कैसे होता था बात आपको उम्मीद करते हैं पता होगा, ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया सर, ये तो मिनट दिया हुआ, हम बोले कितना 8, इसको सीधा 60 से इनटू कर दो, सेकंड में बदल गया, हम बोले तो क्या करें, हम बोले कुछ नहीं करना है ना, आ जाओ 6 से कैंसिल करोगे क्या, 2 टाइम्स, 6 से कैंसिल करोगे क्या, 3 टाइम्स, सर 3 से कर दो, हम बोले कितना 20 टाइम्स, देख लीजिए यहाँ से क्या निकल रहा है, हम बोले क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे 5 × 10 8 × 16, ठीक है यहाँ पे देखिएगा 8 × 16, ठीक है यहाँ पे कितना जीरो आ रहा है देख लो, तो ये हो जाएगा क्या, 1600 मीटर हो जाएगा, डन हो गया 1600 मीटर क्या हो जाएगा, हम बोले क्या हो गया बताओ सर, 1600 जो मीटर हुआ ना, और भी तो कुछ छूट नहीं रहा आपका, ठीक है सीधा सीधा हमने 2 × 0 = 10 चिपका के 1600 कर दिया सर, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, हम बोले बहुत बढ़िया, और हमारे हिसाब से सर इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई यहाँ से क्या होना चाहिए, हम बोले क्या होना चाहिए बताओ तुम लोग सर, इसको हम 3x मान लेते हैं और इसको 2x मान लेते हैं, हम बोले बहुत बढ़िया फॉर्मूला आता कि नहीं, हम बोले हाँ। तो देखो यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, हम बोले अभी बताया था ना, पेरीमीटर परिमाप सर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितना है सर 3x, चौड़ाई कितना है 2x, वेरी गुड, बराबर कितना हो गया 1600 मीटर। अब चाहे तो इसको लिपटा सकते हैं कितना बार में सर, इसको लिपटा दिए सर आप 800 बार में, ठीक है। और यहाँ से एक बार देखा जाए, ये हो जाएगा कितना 5x, कोई 5x स्क्वायर मत कर देना, तुम लोग महान आदमी हो गलत कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी महानता पे मुझे क्योंकि शक होता है, 1685 मतलब 160, तो सर यहाँ से x का मान तो आ गया 160, हम बोले बहुत बढ़िया, x आ गया मतलब सवाल में कुछ दम रहा ही नहीं भाई, आ जाओ ऊपर में रखता हूँ एरिया, ठीक है यहाँ से जगह तो बचा नहीं, यहीं निकाल देता हूँ, टेंशन ना लो, इसको मैं रफ़ कर दूँगा, देखो बड़ा सिंपल, अब बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा है। अब चाहो तो इसको यहाँ पे मैं इसको समझा देता आपको, यहाँ पे देख लो, इसको हम 3x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 2x, सर ये एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, हम बोले अरे यार लंबाई गुना चौड़ाई तो होता है सर, लंबाई कितना 3x और चौड़ाई कितना 2x, समझवाया कि नहीं, हम बोले सर रख दो तब, सर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, हम बोले बहुत बढ़िया कुछ नहीं करना है, ये 6 और यहाँ पे कितना होगा 160 का होल स्क्वायर कर दो सर, 16 का स्क्वायर पता है, बोले हाँ 256 होता है, और 2 जीरो और चिपका देना, गुना 6 से कर देना, जो भी होगा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, 16 का स्क्वायर पता होगा, हम बोले सर ये तो 00 होगा ही, हम बोले हाँ तो होना ही है 00, 6 × 6 = 36 कैरी 3 हो जाएगा, 56 × 30 और 3 × 33 = 3 कैरी 3, 6 × 12 = 3 = 15, देखो 1536 00 कहाँ है, देख लो जो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो हो सकता सवाल इस तरह से आपको दे सकता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है और आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। फटाफट से गाइस सवाल इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या होगा जल्दी से देख लेते हैं, ये आपका अगला सवाल, ये अगर आपको थोड़ा बहुत ट्रिगो आता होगा, आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में भी है, उसी बेसिस पर बड़ा सिंपल सवाल दिया लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक। सवाल पढ़ते तो आपको समझ आ गया सर ऐसा था, हम बोले हाँ ऐसा था, हालांकि सवाल टफ तो नहीं है लेकिन आपको समझने पर जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 3 मीटर ऊंचे पोल पर के शीर्ष पर यानी ऊंचाई पर एक क्या मयूर बैठा हुआ, ठीक है आ जाओ आगे, पोल की जो ऊंचाई है ना, आप सीधा लिखा पोल की ऊंचाई, पोल से 3 गुना दूरी पर एक सांप को है ना क्या किया, पोल की तरफ आते हुए उन्होंने देखा, हम बोले इतना पढ़ करके पहले डायग्राम बना लो, बहुत ज़्यादा इधर करोगे तो गलत कर जाओगे तुम, ठीक। चलो देखो यहाँ पे, हम बोले मान लो ये तुम्हारा पोल है और है ना, कितना ऊंचाई था सर 3 मीटर ऊंचाई था, हम बोले यहाँ पर क्या होगा वो बैठा होगा, हम बोले ठीक है पक्षी को यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है यहीं से वो क्या कर रहा है इधर देख रहा है, ठीक है
सर इसका तीन गुना। हम बोले अच्छा तीन गुना, ये तीन है तो मान लो ये नौ है, यहाँ पे सांप था ठीक है, यहाँ पे स्नैक है, नाम दे दें सर इसका ए ले लो इस पॉइंट को, सर इस पॉइंट को बी लिया जाए, इस पॉइंट को क्या लिया जाए बोलो सी। सर यहाँ से अगर यहाँ पे पॉइंट ले लो सी ठीक है ले लिए, आगे देखो क्या कर रहा है। तब पोल से कूदकर पोल की कितनी दूरी पर वह सांप को पकड़ लेगा यदि दोनों की चाल समान है। हम बोले दोनों की चाल समान है मतलब दोनों दूरी भी क्या चलेगी, सेम चलेगी, बात समझेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, ऐसे चल देगा ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे पकड़ लिया, ये वो पॉइंट है जहाँ से इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो अब करोगे क्या, हम बोले करना कुछ नहीं है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये जगह नहीं है, ये इसको पॉइंट मान लो, इसको डी मान लो, और ये टोटल दूरी तो आपको पता है सर यहाँ से यहाँ कितना था, नाइन है, हम बोले ठीक है। मान लो कि ये देखो इसकी जो खंभा है ना, इस खंभे से एक्स मीटर की दूरी पर इसको क्या किया, इस पॉइंट पर पकड़ लिया, हम बोले ठीक है। तो सर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओगे, हम बोले यहाँ के यहाँ तक की यहाँ दूरी क्या होगा, सर ये तो नाइन माइनस एक्स होगा, हम बोले वेरी गुड ठीक है। तो अब देख सकते हो सर क्या कि ये भी दूरी बारे में बता सकते हो आराम से, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ चला, मतलब सर ये जो ए डी जो दूरी होगा ना, हम बोले हाँ ये बी सी डी सी के बराबर होगा, क्यों, दोनों की चाल समान था, और दोनों की चाल समान है, दोनों एक साथ चलना शुरू, वही चल रहा इधर चल रहा है, मतलब क्या होगा, दोनों दूरी क्या करेगा, सेम ही तो चलेगा। तो जब सेम दूरी चलेगा तो अगर यहाँ देख सकते हो ये जो हो जाएगा ना, ये पॉइंट होगा एक्स माइनस कितना होगा नाइन, और यहाँ से पाइथागोरस पड़े हो कि नहीं, अब देख लो ये एक्स हो गया, ये थ्री हो गया, और इसको आराम से क्या कर सकते हो, कर सकते हो सवाल, वो चाहे चैलेंजिंग तो है नहीं, तो जल्दी से कर लेते हैं। एक्स का मान अपने आप आ जाएगा, इसमें पाइथागोरस लगा दोगे, हम यहाँ लगा लेते हैं, देखो यहाँ पे पाइथागोरस क्या होगा सर, थ्री का स्क्वायर ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा कितना नाइन माइनस एक्स। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, अगर ये नाइन माइनस एक्स था इसको हम क्यों लिए, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ चला रही है, यहाँ से यहाँ चला, और दोनों का समान अगर चाल है तो स्वाभाविक है दूरी भी सेम चलेगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है ठीक है सर। यहाँ पे इसको ब्रेक कर लो, हम बोले ब्रेक क्या करना है, देखो ना यहाँ पे ये तो नाइन हो जाएगा, ये प्लस कितना होगा एक्स स्क्वायर, सवाल एकदम तोड़ दिया, ये हो जाएगा इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ लिया, बोले हम बिल्कुल तोड़ना चाहिए सर, नाइन का स्क्वायर कितना होगा, बोले 81 होगा, प्लस का ये एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस का होगा 18x। क्या क्या कट रहा है पहले अगर देखना पड़ेगा ठीक है, हम बोले ठीक है सर देख लेता हूँ। देखिए ये x और ये x कट जाएगा, हम बोले हाँ कटना चाहिए सर, 18x को इधर भेजो, 9 को उधर भेज दो, तो इधर हो जाएगा 18x, और ये देखिए 81 में 9 को उधर माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, ये 72 दिख रहा है, हम बोले 18 जो होगा 72, टेबल याद है कि नहीं बताओ, तो x बराबर कितना होगा 4 होगा, तो x बराबर 4 आ गया, देखिए कहाँ पे मतलब 4 मीटर की दूरी पे पकड़ लेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है देखो सी। तो हो सकता है इस तरह सवाल थोड़ा अच्छा बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सवाल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है ठीक। चलिए तो ये भी एक सवाल था, समझ करके करिएगा, सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहेगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगला सवाल, एक और खूबसूरत सवाल, इस तरह सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोला कि देखिएगा कि दो क्रमागत पदों का समान अंतर के 6 पदों वाले श्रेणी का, मतलब ये एपी सवाल पूछा था, टोटल टर्म कितने हैं 6, और हर एक टर्म के बीच में अगर समान अंतर बोल रहा है मतलब उसी को समांतर श्रेणी बोलते हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हर एक दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होती है, ये सवाल डायरेक्ट बोल रहा था। हम बोले ठीक है 6 पद है और समान अंतर है, आगे लिखा है श्रेणी का जो है ना, श्रेणी का अंतिम पद को है ना 6 गुना हो, अच्छा प्रथम पद से देखो यहाँ पे लिखा है ना 6 पदों में पद वाली श्रेणी का अंतिम पद जो है ना वो 6 गुना है ठीक है, तो इसका मतलब इसका चौथा टर्म क्या होगा, तो हम बोल बहुत सिंपल लिख दिया ये, तो भैया जब तुम समझ लो यहाँ पे ये साफ साफ लिख दिया 6 टाइम द फर्स्ट टर्म, तो जब पहले टर्म से 6 गुना अगर है और टर्म भी 6 ही है तो चौथा टर्म तो 4 ही होना चाहिए फिर, तो अगर हम रेशियो से बात करते हैं कॉमन डिफरेंस तुम निकाल भी दोगे तो भी बात उतना ही है, अगर 6 टर्म का अगर भाई देख लो कोई दिक्कत तो कहीं होना नहीं चाहिए आपको, समान अंतर है तो करके दिखा, तो टेंशन ना लो। तो सर देखिए अगर आप बेसिक से करने क्या मतलब है, देखो ना आप ये समान अंतर ही तो है और 6 टर्म का छठा टर्म भी 6 है, तो इसका मतलब पहला टर्म 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 ही तो है, तभी इसका रेशियो भी 6 आ रहा है, मतलब टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस 1 होगा, तो चौथा टर्म पूछा तो मतलब 4 ही होगा आंसर। हालांकि इसको डिटेल जाना चाहो मैं करके दिखा देता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़नी चाहिए, क्यों, देखो पहला टर्म को एक्स मानोगे कॉमन डिफरेंस मान लो डी, तो ये पहला क्या फिर क्या होगा एक्स प्लस डी होगा, फिर ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस, तो तीसरा टर्म का मतलब क्या 2D, तो इस तरह से देखो तीसरा टर्म में 3D नहीं 1 कम हो जाता है 2D, इसी तरीके से अगर आगे जाओगे समझो तो छठवां टर्म में क्या होगा एक्स प्लस क्या होगा 5D होगा, जितना टर्म होता है इसमें एक कॉमन डिफरेंस कम करना, 20वां टर्म होगा तो एक्स प्लस 19D, तो सर ठीक है इसका रेशियो दे दिया, बोले दिया हुआ, बोले हाँ ये पहला टर्म है और ये एक्स प्लस क्या बोलो 5D, इसका देखो कॉमन डिफरेंस में पता चल जाएगा तुरंत आंसर आ जाएगा, सर ये हो जाएगा 1/6 कितना होगा 6, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई करो, बोले ठीक है 6x बराबर क्या होगा सर एक्स प्लस 5D, अब देखिए एक्स घटाइए इधर सर, बोले 5x बराबर क्या हो जाएगा 5D, और देखिए 5 करके आपको समझ में आ गया होगा एक्स बराबर क्या होगा ये डी होगा, तो देख लो कॉमन डिफरेंस पहले टर्म के बराबर है, तो पहला टर्म अगर 1 मानेंगे फिर 1 जोड़ देंगे 2 ही तो होगा, तो यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन ये सब करने का कोई मतलब वहाँ पे पेपर में नहीं बनता है ठीक है। चलो तो ऑप्शन ऐसे आ गया था, बस यहाँ से एक मैसेज लेके जाना, एपी में अगर आपको निकालना है 10वां टर्म, तो 10वां टर्म को डायरेक्ट लिख सकते सर एक्स प्लस 9D, अगर 15वां टर्म को लिखना होगा तो एक्स प्लस 14D, इसका हम हेल्प करेंगे आगे, एक सवाल यहाँ पे और रखें ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा था।
तो अगला सवाल देखते क्या है सर। देखिए ये सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो सकता, लेकिन आप मिस्टेक कर सकते हैं, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बोला सर एक समांतर चतुर्भुज का जो आधार इसके ऊंचाई का क्या है, 4 गुना है, तो इसका क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो समांतर चतुर्भुज को लेकर इतना किसी बच्चे को तो डर तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। समांतर चतुर्भुज का एरिया फॉर्मूला आपको पता है सर, ये लंबाई है तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और इसका जो एरिया होता है ऊंचाई एच होगा, तो सीधा सीधा इसका एरिया होता है क्या बताऊँ सर, ये लंबाई गुना क्या हो जाता है सर, ऊंचाई, यानी लंबाई गुना क्या होगा, ऊंचाई होगा, ठीक है, इतना हो जाता है सीधा सीधा बात। सवाल बड़ा सर देखिएगा कि जो समांतर चतुर्भुज का जो आधार है ना, यानी आधार मतलब ये लंबाई है, ऊंचाई का 4 गुना है, तो हम बोले अच्छा ऊंचाई अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4x होगा, इतना ही बोलना चाह रहा भैया, ठीक है। अब रेशियो पढ़ा चुके थे, इसको रियल मान में क्यों चेंज कर रहे हैं, ये मैं रेशियो जब पढ़ाए थे आपको अच्छे से क्लियर किया हूँ, ठीक है भैया, बस चिपका देना है मान को सर, चिपका दें, हम बोले हाँ, इसका कितना दिया मान 324, और ये क्या हो जाएगा सर, ये 4x होगा और ये x हो जाएगा, ठीक है, आओ कुछ नहीं करना, 4 से कैंसिल करो, 81 बार है, मतलब यहाँ समझिए सर एक्स स्क्वायर बराबर, अगर ये 81 आ रहा है तो मतलब x बराबर कितना होगा, 9 होगा, नेगेटिव मान तो आपको छूना भी तो नहीं है, और सवाल यही पूछा तो इसकी जो है सो ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई 9 के बराबर होगी, देख लो यहाँ पे, तो 9 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बोलिए फटाफट से देखिए सी जो राइट आंसर। तो छोटा छोटा बातों को ध्यान रखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि सवाल आपको छोड़ के आओगे, ठीक। चलिए एक और सवाल आपकी स्क्रीन पे, खूबसूरत सवाल क्या आने वाला देख लेते हैं फटाफट से, एक और सवाल रहा, देखो CGTET 2019 के पेपर 2 में आया था, और मैं सवाल देखो डेट सबका नहीं मेंशन किया हूं, तो कुछ सवाल मुझे लगा कि मेंशन कर देना चाहिए, तो मैं उसको कर दिया हूं, ठीक है, चलो। बट सवाल आपके पेपर के HGT आए हुए प्रीवियस ईयर के, तो सवाल देखते हैं, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं, और इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, टेंशन तुम्हें ना लेना। बोला एक कार को ना 6 मिनट जैसे कम समय लगी, कब, अगर वो अपने जो भी स्पीड से चल रहा होगा, जो भी पार्टिकुलर स्पीड से चल रहा है, उसमें अगर वो 4 किलोमीटर से अपनी स्पीड को फास्ट कर लेगा। अगर कार 4 किलोमीटर अपनी स्पीड फास्ट कर लिया, तो भाई हम पहले बता चुके हैं, अगर स्पीड ज़्यादा तो समय कम लगेगा भाई, याद रखिएगा, ठीक है। अगर भी वो क्या किया, उसको 8 मिनट ज़्यादा लग जाएगा, कब, अगर वो अपनी चाल को स्लो कर लेगा कितना, 6 किलोमीटर पर आवर से, तो बोला सर्टेन डिस्टेंस क्या होगा। इसको बनाने का बेसिक तरीके भी है, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से डिस्कस कर देते हैं, बहुत हार्डली लगेगा तो 20-25 सेकंड में सवाल को निपटा के आ जाओगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या मैं बताता हूँ, टी बराबर, बस सवाल भी, सवाल को पहले पूछ कितने तरीके सकता है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए सवाल को चाहे वो 4 तरीके से आपके सामने फ्रेम कर सकते, चारों तरीकों को बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक। सवाल को पहचानोगे किस, वही बता दूंगा सर। टी बराबर क्या होगा, ये एस माइनस, पहले बढ़ाया कि घटाया है, पहले बढ़ाया है सर, मतलब प्लस कर लो, ठीक है, S1 अपॉन S1 और इनटू क्या होगा T1, हम सब बताएंगे, तुम देखते रहो कि S1 क्या है, T1 क्या है, S क्या है, T क्या है, सब बता दूंगा। बराबर S माइनस S2 अपॉन क्या होगा, ये S2 और इनटू क्या होगा, ये टाइम T2 होगा। अगर ये छोटी सी बात समझ में आ गया होगा तो आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो T है ना, ये एक्चुअल टाइम, मतलब एक्चुअल टाइम मतलब पहले वाला जो है ना टाइम कितना लगता था सर, ये क्या है, हम बोले ये जो S है ना, हम बोले हाँ ये होता है एक्चुअल स्पीड, जो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक्चुअल स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है सर। ये सवाल इसको कब लगाना, पहले इतना समझाओ, हम बोले सुनो, अगर याद रखना मेरे दोस्त, कभी भी अगर दोनों का दो स्पीड दिया हो, एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो, या दोनों का दोनों बढ़ रहा हो, या दोनों का दोनों घट रहा हो, या एक बढ़े एक घटे, एक चारों कंडीशन में इसको लगाना होगा। लेकिन सर ये साइन को आपने कैसे कर लिया, हम बोले दो, अगर ये पहली बढ़ा देगा तो यहाँ पहले प्लस कर देना, अगर यहाँ पे बाद में घटा देगा तो माइनस कर देना, अगर दोनों जगह बढ़ा देगा तो यहाँ भी प्लस रख देना, यहाँ भी प्लस रख देना, अगर वो अपनी चाल को दोनों जगह अगर कम कर देगा तो ये दोनों जगह माइनस रखना। बात समझा कि चारों बात है, ठीक है। अब सुनो ये T1 क्या बताऊं सर, पहले जो टाइम में कितना डिफरेंस क्रिएट कर दिए, 6 मिनट का, तो जो भी टाइम में डिफरेंस होगा उसको T लिख लिया, देखिए मिनट है तो इसको आप चाहो चेंज कर लो, लेकिन दोनों जगह मिनट में बराबर करो तो कट जाएगा, चेंज ना भी करो चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ T2 क्या होगा सर, यहाँ पे टाइम में कितना डिफरेंस होगा सर, 8 मिनट का, मतलब T2 का मान कितना होगा 8। सबसे पहले क्या करना, इन दोनों को बराबर कर देना, तो यहाँ पे आपका स्पीड निकल जाएगा, और स्पीड निकल जाएगा तो क्या करना, उस स्पीड को या तो T बराबर इसके में रख देना या तो इसमें रख देना, तो T निकल जाएगा, तो S और T निकल जाएगा, दोनों को इनटू कर देंगे, सीधे सीधे क्या निकल जाएगा आपका डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बराबर करता है स्पीड इनटू टाइम। बहुत खूबसूरत सवाल है, कई बार CGL भी पूछ चुका है इसको, तो अच्छा सवाल है, मजा आएगा आप करके, ठीक है। आ जाओ पहले इन दोनों को इक्वेट कर लो सर, इक्वेट कर लो, हम बोले हाँ इक्वेट कर लो। आओ देखो यहाँ से इसका मान तो S तो निकालना है, हम बोले हाँ S तो निकालना है सर, इसका कितना करेंगे, हम बोले इसका यहाँ पे कितना बढ़ा लिया 4, तो 4 कर दो, अपन क्या कर लो 4, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6। मिनट को मिनट में बना दें क्योंकि दोनों जगह कट जाएगा, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, कोई बच्चा सोच रहा है क्यों नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि यहाँ पे मिनट है, मिनट कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, S है ये, S इसको कोई 5 मत समझ लेना, ठीक है सर। यहाँ पे कितना 6 बढ़ रहा था, स्लो हो रहा था, 6 कम कर लो अपॉन 6, और यहाँ पे टाइम में कितना डिफरेंस दिख रहा था 8, ठीक है। आ जाओ बस इसको कैसे हम लोग हटा सकते, देखो कैंसिल कितना कर सकते, जल्दी कर लेते हैं,
कैंसिल करने के लिए हम समझ रहे हैं, इसको अगर आप चाहो तो तीन कर लो, इसको आप दो कर लो, डन कर लोगे? हम बोले हाँ सर। इसको आप क्या कर लो, चार कर लो, इसको क्या कर लो, आप तीन कर लो। अच्छा बोलो, ये जो टू नीचे दिख रहा है उधर जाएगा? हम बोले हाँ जाएगा। ये तीन इधर आएगा? हम बोले तीन इधर, नाइन हो जाएगा। देखो तो डायर कर रहा हूँ, थ्री थ्री क्या हो, नाइन, नाइन क्या होगा, ये नाइन एस हो जाएगा, प्लस कितना होगा सर, 36 होगा। यहाँ देखिएगा, ये टू इधर जाएगा कितना होगा, एट, एट इधर करेंगे तो सर ये एट एस हो जाएगा, ये क्या होगा, अच्छा 48। अब होगा क्या, यहाँ पे स्पीड आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़्यादा बच्चा घबरा जाओगे, बोले घबराना नहीं है, रुक जाओ, कॉन्सेप्ट पर डटे रहना है। उन्होंने सवाल ऐसा सेट किया था, हमारी क्या गलती, देखो 9S में 8S चला जाएगा, क्या बचेगा एस। हम बोले अच्छा 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जैसे माइनस कर दो कितना हो जाएगा सर, माइनस का क्या हो जाएगा, 84 हो जा रहा है क्या, हाँ माइनस का 84 होगा। तो सर स्पीड जो आया माइनस का 84 जो भी है किलोमीटर, रहने देना कोई दिक्कत नहीं, सर स्पीड आ गया। हम बोले आ गया, अब कुछ नहीं करना, वो आपको एक काम करोगे, इसको यहाँ पे रख दो, या तो यहाँ रख दो और सीधा सीधा टी का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक, कहीं रख देना, आओ बस याद रखिए टी को आप चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम टाइम चल रहे हो, यहाँ पे किलोमीटर निकाल लियो, हाँ ठीक। आओ अब हम यहाँ पे टाइम निकाल के तुमको दिखा रहा हूँ, यहाँ रख दो, हम बोले हाँ रख दो, यहाँ पे रखो सर, ये हो जाएगा माइनस का कितना 84, और ये हो जाएगा कितना प्लस का 4, और ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई कितना होगा 4, ठीक है। और यहाँ पे एक काम कर लेना है कि जो 6 आपको दिया था इसको आप 60 से डिवाइड जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, तो टाइम भी देखो नेगेटिव आना चाहिए, नहीं तो फिर प्लस में होगा कैसे। हम बोले ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 80 सर, हम बोले हाँ, ये हो जाएगा कितना 4, और ये हो जाएगा कितना, देखो इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/10, और यहाँ से देखिए 0 0 कट करके दो से कटेगा तो टी बराबर हो जाएगा माइनस का 2 आवर्स, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 2 आवर्स। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो आपको यहाँ पे स्पीड मिल चुका है, ये टाइम मिल चुका है, आपसे पूछा सवाल क्या था, डिस्टेंस कहाँ रख दो, सवाल यहाँ बना सकता हूँ कि नहीं? हम बोले हाँ। तो स्पीड इनटू क्या हो जाता है, टाइम। सर स्पीड कितना हो जाएगा, माइनस का 84, और ये आप देख सकते हैं माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये कितना 168 हो जाएगा किलोमीटर, देख सकते हैं कहाँ पे ऑप्शन है या नहीं है। तो सबसे आसान फास्टेस्ट तरीका था, वरना सवाल में थोड़ा तकलीफ होता है, उसको ऑप्शन में डी में रखिएगा, ठीक है। इसलिए मेरी सवाल को मैं थोड़ा डेट लिख दिया था कि आपको लगे कि सवाल में कोई तकलीफ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, गूगल कर सकते हैं सवाल को, ठीक है। ऑप्शन 168 है और हमारा ऑप्शन नंबर डी में, चलिए मतलब नन ऑफ दीज में, चलिए फटाफट से कर लीजिए फिर समझते हैं। दोनों की वेट करना, स्पीड निकल जाएगा, यहाँ पे रख देना इसमें या तो इसमें, तो टाइम निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके खत्म कर सकते हो। चलिए एक और सवाल देखते हैं, स्क्रीन शॉट ले चुका हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ ये रहेगा, देखिएगा। इस तरह के सवालों को लेकर क्या मन में चल रहा है आपका, चलना भी चाहिए? एक रिलेशन आपको पता होगा, देखिए अभी सारे सवाल बेसिक से पूछा है, ज्योमेट्री से पूछा गया सवाल है, और आपको अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो इस सवाल को ओरल करके चले जाओगे। सर समबाहु त्रिभुज को बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें सुन रहे हो ना बचपन से, आओ एक बार और सुन लो तुम बचपन से, ठीक है आ जाओ। सर एक त्रिभुज है, बोले हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम बोले कोई बात नहीं, आप बोले तो मान गए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अरे सारी भुजाएं क्या बराबर है? आगे सवाल बोला सर AD यहाँ से लंब गिराया गया, हम बोले हाँ किस पे गिराया, यहाँ पे डी दिल्ली है तो लंब है, तो यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा, समझिएगा ठीक है। अब क्या हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सब बराबर था, हम बोले हाँ, तो यहाँ पे हम कुछ इसका जो है सो मान लो, हम बोले साइड अगर एक्स होगा ये एक्स होगा तो इसको दो भाग में बट गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि क्या करोगे एक्स वाई क्या करोगे 2, और यहाँ से यहाँ कैसे करोगे आप लोग बोलो सर, ये भी एक्स वाई 2 होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा सर, बहुत बढ़िया। पाइथागोरस दिख रहा है, बोले हाँ पाइथागोरस दिख रहा है, अगर 90 डिग्री है मतलब स्वाभाविक है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, मतलब पाइथागोरस लगा दोगे, और यहाँ पे वही तो क्या AD और AB में मतलब रिलेशन चाह रहा, तो हम बोले कुछ नहीं, देखो यहाँ पे दो साइड पता है, AD का रिलेशन निकाल दो। हम बोले सर क्या होता है, बोले परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस है ना, समझ रहे हो ना, प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर कर दीजिएगा, तो हाइपोटेनस कैसे पहचान लो, 90 के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेनस होगा, मतलब देखो यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, हम बोले क्या करोगे सर ये AD का स्क्वायर ऊंचाई तो है, हम बोले हाँ प्लस सर इसका इसका, हम बोले क्या एक्स बाई 2 का क्या करोगे तुम लोग होल स्क्वायर कर देना, ठीक है आओ यहाँ पे सॉल्व कर लो सर, ये एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा सर ये AD होगा, हम बोले AD का स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होगा 4, इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत उम्दा सवाल है। सर ये चार को क्या करोगे, हम बोले यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो चाहो तो यहाँ पे बाद में कर देना, तो ये हो जाएगा क्या सर ये हो जाएगा 4 सर ये AD स्क्वायर प्लस क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा समझिएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर और ये नीचे पूरा 4 हो जाएगा, तो सर 4 क्या करना है इधर मल्टीप्लाई कर दो, हम बोले कर दो, देखो बस ये आपको करने के लिए, चाहते डायरेक्ट भी कर सकते थे कोई दिक्कत नहीं, और याद रखिए एक्स जो है वो AB का मान है, ठीक है हाँ सर, ये डायरेक्ट एक के साथ दो काम कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करके वो एक्स को इधर ले आया, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 AD का होल स्क्वायर, डन भाई ठीक है घटा लो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर देखो 4 AD का स्क्वायर, और जहाँ x है ना बस वहाँ पे क्या करना आप AB रख देना, ठीक है तो आपको रिलेशन डायरेक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग उसी को तो माने हैं मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे तो सर क्या होगा 3 AB का होल स्क्वायर बराबर 4 AD है या नहीं है, नहीं है तो सवाल गलत हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता, डन ठीक है देख लीजिए कौन सा 3 AB होना चाहिए, 3 AB 3 यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सी है, देखो तो एक रिलेशन होता है, मुझे लगता है सब कुछ कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछा था तो तुरंत कर लेना, डन आगे मूव करते हैं मेरे दोस्त, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे क्या होगा देखते हैं फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा आपका अगला सवाल।
देखिए ये रहा आपका सवाल अगला, ठीक है। अब सवाल में करना क्या, हम बोले कुछ नहीं, सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, और इस तरह सवालों को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक मत होना। मेंस्ट्रुएशन एक आसान सा टॉपिक है, वहाँ पे सवाल ने पूछा था रेशियो का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है, तो बहुत आसान है। अगर किसी मेंस्ट्रुएशन में रेशियो का इस्तेमाल करता है, मतलब मान लेना सवाल आसान कर दिया उन्होंने, ठीक है। बोला कि देखिए सर, एक हाइट और रेडियस दिया हुआ किसका, सर्कुलर, देखो सिलेंडर का, मतलब ये बेलन का और गोला का। देखो यहाँ पे एक बात बोल दिया कि जो सर्कल, ये सिलेंडर है नहीं, बेलन है, इसका दिया ऊंचाई, और रेडियस किसका दिया, स्पेयर का, उसका रेशियो दिया 2:1। बोले बहुत बढ़िया। और बाद में यहाँ पे एक लाइन बोल दिया कि सर दोनों का रेडियस क्या है, सेमी तो है, तो बोला टोटल सर्फेस एरिया बता दो ना। हम बोले अरे यार बहुत आसान तो दे दिया है। तो यहां से आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि है ना, ये जो हाइट होगा क्या सिलेंडर का, और जो रेडियस होगा किसका, स्पीयर का, उसका रेशियो कितना दिया, 2:1, ठीक है। और डायरेक्ट बस प्लग इन ही करता हूं, दोनों का रेडियस तो बराबर ही है, तो प्लग इन कर दो सीधा सीधा। सर टोटल सरफेस एरिया दोनों पता है, बोले हाँ पता है ना, तो टोटल सरफेस एरिया देखो सिलेंडर का क्या होता, सर टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का हो जाएगा, हम बोले कितना सर, 2πr, समझिएगा 2πrh इंटू, समझिए 2πr प्लस, डायरेक्ट कॉमन करके करता हूँ, 2πr इंटू r प्लस एच कर देता हूँ, ठीक। देखो आप कॉमन करके डाइट कर देता हूँ, अलग से लिखने की जरूरत मुझे लगता नहीं पढ़ना चाहिए आप लोगों को भी, ठीक। आ जाओ इसका सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, और सरफेस एरिया किसका, स्पेयर का, गोला का, 2πr इंटू आर प्लस एच, इतना ही करना, कुछ नहीं करना। सर ये गोला का क्या होता है, बोले पता है ना 4πr² स्क्वायर होता है। हम बोले हाँ ठीक, रख दो यहाँ पे सर 4। देखो कोशिश करना ना कैंसिल आउट करना, क्यों जाते हैं रेशियो को, जितना रेशियो चाहिए ना तो कैंसिल कर दो ना, रेशियो कैंसिल करने से बनता है भैया। तो किसको किसको उड़ा सकते हो, हम बोले देखिए सर बहुत किसको उड़ा सकता हूँ, ये 2πसे ना, ये 2π कर दूंगा, और ये r से, यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनली क्या बच गया, हम बोले ये r प्लस h बच गया, और ये क्या हो जाएगा r। तो सर दोनों का r तो बराबर है, और r का मान 1 दिया और h का मान 2 दिया है, बस मतलब प्लग इन करते आंसर आ जाएगा। हम बोले हाँ ये 1 है और ये क्या होगा 2, और इसका भी r तो 1 ही होगा, r तो बराबर है, तो सर ये क्या होगा, हम बोले क्या हो जाएगा, बोलो सर ये हो जाएगा 3:2, कितना बोलो 3:2, यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा 2π से कटेगा, ये 2 बार में कटेगा ना, तो यहाँ पे 2 तुम लोग भूल रहा है क्या, नहीं भूल रहा ना, नहीं भूलना चाहिए, तो 2 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 3:2 क्या होगा, सॉरी 3:2 क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो कर लो 3:2। देखो ऑप्शन में है कि नहीं, देख लो 3:2 है कहाँ पे, फटाफट से देखिएगा, वो 2 टाइम्स कटेगा ना, ये 2 टाइम्स कहाँ ले जाओगे, 2 को घर भेज दोगे क्या तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ जाएगा कितना 2, तो 3:2 ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा ए है, देख लो, ठीक। तो आसान सवाल था, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सवाल को सीधा से प्लग इन करके मान निकाल लो। जल्दी से गाइज करिए अगला सवाल, बहुत जल्द आपके स्क्रीन पे दिखने वाला है, देखते हैं क्या सवाल है क्या, और किस तरीके से उसको हम लोग डील करने वाले हैं। देखिए एक और खूबसूरत सवाल, एपी की बात अभी किया था मैंने, अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो इसको यूं ही उड़ा दोगे सवाल को, तो एपी जीपी जरूर पढ़ के जाइएगा, सवाल ने 2 पूछा है अभी तक, है ना, दिखा मुझे सर सवाल क्या था। हम बोले देखिए, बोला कि जो 25वां टर्म है एपी का ना, उसका मान कितना है 75, और जो ऐसा 24वां और 25वां टर्म का डिफरेंस कितना दिया है 5। हम बोले वही तो हमको चाहिए था, दो टर्म के बीच का डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस, मतलब डी का मान तो दिया है सर। हम बोले हाँ दिया है ना। हम बोले बहुत बढ़िया। और बोला था सर 5वां टर्म क्या होगा, हम बोले पहले लिखो 25वां टर्म को तुम क्या लिखोगे, सर हम लिखेंगे वहाँ पहला टर्म को मान लो ए मान लिए, और कॉमन डिफरेंस हमारा डी है, तो 25वां टर्म को लिखूंगा मैं 24×d। हम बोले हाँ, और बराबर इसका मान सवाल कितना दिया 75, सर डी का मान तो दिया, मतलब प्रथम टर्म तो पता चल जाएगा तुमको, नहीं चल जाएगा। हम बोले हाँ सर यही तो चाहिए था, कॉमन डिफरेंस तो यहाँ 5 दिया, प्लग इन करिए फटाफट से, तो ये a प्लस क्या हो जाएगा 24 गुने क्या हो जाएगा, बोलो 5 बराबर क्या हो जाएगा 75, तो 24 पंचे 120 घटा देना उधर, तो a का मान देखो 120 घटाओगे तो 25 और 20 क्या होगा, माइनस का 45, मतलब फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना चल गया बोलो माइनस 45। आओ इधर सर ये क्या करना हमको, बोले फिफ्थ टर्म के बारे में पता करें। हम बोले कर लेते हैं सर, फिफ्थ टर्म क्या होगा a प्लस 4d, बोले थे अभी हम आपको, एक काम कर देना, तो बस मान को पता करिए, कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, ये पता चल गया, डी तो पहले से पता था। यहाँ पे रखिए सर माइनस का 45, और ये समझिएगा 4×, इसका मान क्या है बोलो 5 है, 4×5 20 में 45 में चला गया, तो माइनस का क्या हो जाएगा 25। देखो कहाँ पे है गाइस, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो इतना आसान सवाल है, बस ये बात ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जब कंप्लीट टॉपिक पढ़ाएंगे तो आग लगा देंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत ही उम्दा सवाल है मेरे हिसाब से, इस तरह सवालों को आप किस तरह से डील करोगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, प्रॉफिट लॉस की सवाल है। अच्छा इस तरह सवाल अभी पी और पीएससी में पूछा गया है, इस साल का पीएससी का जो पेपर हुआ वहाँ में पूछा गया इस तरह सवाल, तो थोड़ा सा संभाल के करिएगा सवाल। सवाल क्या बोलता जानते हैं, बोले क्या सर, दो पेन और दो पेंसिल, ठीक है, पेंसिल को हम पीई से दिखा रहा हूँ, ठीक है, चलो या फिर लोगों ने सुनो इसको एक्स वाई से खाता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, दोनों पी पी है तो बच्चा कन्फ्यूज होकर पता क्या होता है, गलत समझ लेगा वो लोग कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सर, देखो ये पेन है ना, इसको एक्स मान लो और इसको पेंसिल क्या मान लो, वाई मान लो, तो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे कितना 3, ये 3y, ठीक है, 2x कितना होगा,
समझिए यहाँ पे, तो सर ये 2x प्लस 3y का कीमत कितना सर? 19 रुपया। वेरी गुड। आगे देखो, 5 पेन मतलब 5x प्लस कितना पेंसिल? सर ये 4 पेंसिल है। बोले 4 पेंसिल और किसका कीमत कितना? 37 रुपया। बोले सर दोनों जोड़ना, तो ये हो जाएगा सर 7x प्लस का 7y और बराबर ये हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा, एक इसको दे दो ना 20 56 56। तो क्या करेंगे हम? बोले 7 कॉमन कर लो ना, 7 से करा दो 8 बार, मतलब यहाँ से क्या दिख रहा है सर? एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिख रहा है? 8। सवाल आपसे क्या पूछा था? सवाल पूछा था, देखिएगा, एक पेन और एक पेंसिल अलग अलग कीमत पूछा, मतलब सॉल्व करा लिया सवाल। हमको लगा ऐसे ही पूछ देगा, 5 कलम 5 पेंसिल जैसे पूछा था मेंस में। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे, उससे क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 8। छोटा क्वेश्चन कौन सा ये, इसको यहाँ रख दो, 2x प्लस का 3y बराबर 19। कोई नहीं, x y सॉल्व करा रहा है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऊपर वाले को क्या करें, बोले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो, बात खत्म। जब घटा देंगे तो बस यहीं से निपटा दो, है ना? कोई बात नहीं, उसने खेल लिया था आपसे, तो सर कटा देंगे हम लोग, 2 से कटाएंगे या 3y घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस का वाई बचेगा, 8 × 16 में से 19 जाएगा, माइनस का 3 तो कटा दो, तो सर वाई का मान तो 3 आ गया। देखो एक से आंसर मारेंगे, दोनों सॉल्व करना पड़ेगा, वाई की जगह पर एक ही जगह 3 है, यही तो आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे वाई की जगह पर कुछ है नहीं, तो काल पूरा सॉल्व करेंगे, अलग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यही देखो एक्स प्लस वाई बराबर 8 है, 3 आ गया, मतलब एक्स तो 5 आना ही है, लेकिन क्यों तुम लोग वजह परेशान हो जाओगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर देख लो ए, यानी एक पेन 5 रुपया मिलता है, एक पेंसिल 3 रुपया मिलता है। ठीक, कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते होंगे, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे आप लोग। और ये भी एक सवाल था जो मुझे लगता है अलजेब्रा का एक सवाल है, और बहुत टफ सवाल तो नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए टफ सवाल, क्यों टफ रहेगा? देखिए ध्यान से, ये सवाल आपको अगर ज़्यादातर बच्चे पता होगा, डे वन बेसिक में क्या पढ़ाए थे हम लोग, x प्लस 1/x सर 5 तक पहुंचना है। तो 5 के पहुंचने के लिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, उतना वक्त तो आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊंगा मैं। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 1/x³ को अगर 1/x³ को अगर इंटू करोगे किससे, समझिएगा, x² प्लस 1/x² और यहाँ से कॉमन कर लेंगे x प्लस 1/x, तो सीधा सीधा ये रिलेशन दे देगा। ये कहाँ से आया, जब आप डिटेल क्लासेस कभी करोगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये एक मिनट की बात नहीं, पूरे एक क्लास यहाँ तक आने में लग जाता है। ठीक है, बस ये मान प्लगिंग कर लो। एक और बता देता हूँ आपको कि अगर एक्स प्लस 1/x बराबर कितना 3 है, तो सर समझिएगा, और यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ता है सर? यहाँ पे सर 3 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? 9, मतलब 8। यहाँ पे देखो, अगर x³ प्लस 1/x³ का मान चाहिए तो कुछ नहीं करना, इसका होल क्यूब करके तुम यहाँ पे आ सकता है, और होल क्यूब करोगे तो इसका मान 18 आएगा, और होल स्क्वायर का मान थोड़ी देर पहले बताए थे तुम लोग को। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट मान प्लग इन कर लो, क्योंकि एडवांस मैथ में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल एक्सप्लेन करने में थोड़ा मुश्किल है। ये अगर चाहिए इसका मान, तो इसका होल क्यूब कर लो, इसका मान चाहिए होल स्क्वायर कर दो, एक सवाल कराए थे अभी। तो सर यहाँ से क्या होगा, हम बोले कुछ नहीं, इसका मान 18 आएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा अभी बताए ना, 3 का स्क्वायर है ना, तो 9 हो जाएगा, माइनस का 2 7, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका मान 3 दिया है, 18 से 26 में से 3 चला गया मेरे दोस्त, तो यार देख सकते हैं 123 ऑप्शन में है या नहीं है, देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। तो एडवांस मैथ में अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत मजा आने वाला। ठीक है, चलिए जल्दी से टिक कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग बात की पूरे सेशन में, जितने सवाल थे, अगले हम लोग और एक और सेशन के साथ हम लोग मुलाकात करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ गाइस सब लोग को समझ में आ गया होगा। पार्ट 3 के साथ मुलाकात करते हैं, बहुत अलग अलग सवाल पूछे गए जिस पर हम बात करने वाले हैं। अपने दोस्तों तक, जो भी बच्चे आपके चाहे वो PSC के प्रिपरेशन कर रहा हो या किसी का कर रहा हो, अगर उसको सीजीटेट देना है तो ज़रूर उसको बोलिए क्या कर ले। अगर फिर बोलते हैं कि अगर तकलीफ हो रहा है, 10 वीडियो हम डाल दिए थे SI का सर्च कीजिए, कॉम्पिटिशन कमेटी SI प्रोग्राम, वहाँ पे जाना, मैथ्स में मेरा पढ़ा हुआ है, अगर तुम 10 घंटा पढ़ सकता है तो मुझे लगता है पेपर क्लियर कर लोगे, इतना जरूर बता रहा हूँ आपको। ये भी समझ आएगा हम किस अप्रोच से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अर्थमेटिक हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं रोकना पड़ेगा, तब तक ले गए, जय हिंद जय भारत।